हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं और प्री वेडिंग सेरेमनी इसको आप कह सकते हैं, जिसमें हल्दी हाथ हो चुका है, टेलीकास्ट भी हो गया है। अब बस इधर से मैं घोड़ी चढ़कर जा रहा हूँ विदा के घर, तो वही सीक्वेंस है। माँ के लिए कितनी खुशी का मौका है, तो माँ से पूछिए। बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स, क्योंकि माँ के लिए अथर्व ही सब कुछ है और उसकी खुशी के आगे माँ के लिए कुछ भी नहीं है। अथर्व की खुशी विविधा के साथ है और शादी करने जा रहा है विविधा से, सो माँ से ज़्यादा खुश तो अथर्व भी नहीं होगा। अभी सीन की बात पे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, कुछ अगर छोड़ रहा है बात रुक रहा है जाने के लिए गाड़ी में, ऐसा क्या है, किससे मिलने जा रहे हैं? वो बस एक बार जाने से पहले चाहता हूँ कि एक बार विविधा दिख जाए, वही बस उसी का एक शॉट था बीच में जो लिया अभी। शो में कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है करने में। कैसी केमिस्ट्री आपके साथ में माँ बेटे के टेस्ट की बात करें? जैसे रियल लाइफ में होती है माँ बेटों की। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वैसी। आपको क्या लगता है, आपने देखा है ना, इसीलिए सवाल भी पूछ रहे हैं। हाँ। आप एक्टर हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जो आपको स्क्रिप्ट पे लिखा होता है उससे भी आगे परफॉर्मेंस को लेकर जाना होता है, लेकिन एक एक्टर के लिए बहुत क्या कहते हैं हम, इट हेल्प्स एन एक्टर अलॉट, इट एड्स एन एक्टर अलॉट और एन एक्ट्रेस अलॉट व्हेन जब आपकी आपके को एक्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। केमिस्ट्री बहुत ही घटिया शब्द है इसके लिए, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक्टर कैसे रिएक्ट करता है, कैसा चाहता है कि आप उसके लाइन्स पर रिएक्ट करो। सो ये बिना कहे जब हो जाता है तब आप कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ राइट एंड वी हैव मोर देन दैट। गणपति आ रहा है कि मुंबई में रह के जो बाहर से आप देहरादून से हैं, हर दूसरे दूसरे स्टेट से हैं लोग, तो क्या गणपति रखते हैं या फिर गणपति का मौका छूट जाता है आपको शूटिंग के दौरान, क्या कहना चाहते हैं? अब मैं देहरादून से हूँ तो हमारे वहाँ पर नॉर्थ में तो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कल्चर ये वाला, बट इधर मुंबई में काफ़ी सेलिब्रेट होता है एंड मैम के यहाँ पर रखा भी था और हम गए भी थे तो काफ़ी मज़ा आया था। मैं मुंबई में 3 साल से हूँ और देखता आया हूँ यहाँ पर गणपति काफ़ी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस इज़ अ ह्यूज फेस्टिवल, बिग फेस्टिवल फॉर पीपल आउट हेयर, तो काफ़ी मज़ा आता है, इन्जॉय करता हूँ मैं तो, हर साल वेट करता हूँ गणपति जी का। आप क्या कह रहे हैं, काफ़ी टाइम से मुंबई में हैं? मैं मुंबई से ही हूँ और मेरे यहाँ आता है गणपति और सेलिब्रेशन तो अलग तरीके से हो गया है, बट उसकी पूजा श्रद्धा से करना और उसकी आराधना करना ये उसका क्रक्स है। उसके साथ साथ सेलिब्रेशन इसलिए क्योंकि लोग आते हैं, आपकी फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, मौका मिलता है सबके साथ मिलकर समय बिताने का और इसीलिए वो विघ्नहर्ता है और बहुत सी शुभ अच्छी चीज़ों की शुरुआत उनसे की जाती है, सारी चीज़ों की शुरुआत उनसे की जाती है। सो आई एम होपिंग के ही ब्रिंग्स अ लॉट मोर गुड लक टू आवर शो। सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 4 साल से जब से गणपति है वो कहीं ना कहीं सेट के ऊपर भी पहुंच रहे हैं गणपति, हर सेट पे एक सीन फिल्मा जाता है गणपति का, सबसे बड़ी कितना अच्छा लगता है उस बात को लेकर, देखिए हमारा शो अजमेर में बेस्ड है एंड थैंकफुली उन्होंने ऐसा कोई सीन अंदर स्क्वीजन नहीं किया, बट हमारे शो की मैं कर रही हूँ और हमारा बियॉन्ड का जो भी यहाँ पे कैंपस ऑफ सॉर्ट्स है, हम सब ने मिलकर यहाँ पर एक गणपति जी की स्थापना की थी और उनकी पूजा भी की और उनका विसर्जन भी बहुत खुशी से धूमधाम से किया गया। सो हम सब के लिए तो वो आए, खुशियाँ दी और चले गए। किस तरह की भूख चाहिए आपको? विविधा जैसी। अच्छा, मैं सुजाता की बात कर रही हूँ ना, बाकी जो मेरी मेरा बेटा ले आएगा मैं तो खुश होंगी। हाँ। अपने बेटे की बात कर रही हूँ, अर्थात के लिए तो विविधा ही सही है। बिल्कुल आने वाला है लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। तो फिर ट्विस्ट का मजा ही क्या रहेगा अगर आपको पहली ट्विस्ट बता देता। चल तू सीधे शादी में तेरे साथ मिला, चल 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 चल।